बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज कॉलर बनाने का तरीका शेयर करूँगी, बहुत आसान करके शेयर करूँगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो नए लोग हैं उन्हें समझ नहीं आती कि चाइनीज़ कॉलर की जो पट्टी तले ऊपर आती है उसमें उनसे झोल आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, या तो पट्टी छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मौजूद होंगी। आप सबने वीडियो गौर से देखनी है, स्किप नहीं करनी। अच्छा, बॉर्डर के ऊपर मैं चाइनीज़ कॉलर गला बनाकर तैयार करूँगी। मेरे पास ये दो बॉर्डर हैं, यानी कि 1-2 ये दो बॉर्डर हैं। इसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं चूज़ कर लूँगी। और ये है लेस, बॉर्डर पट्टी विद लेस वाला हम चाइनीज कॉलर गला बनाएंगे। और मैं इसे वी गला कट करूंगी, बट इसको जो लुक मैं दूंगी वो चाइनीज कॉलर की दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गले का बहुत ही शानदार सा डिज़ाइन। तो पूरी पट्टी के ऊपर मैंने रेगुलर बुकरम चिपका दिया है जिससे हम अपने गले बनाते हैं, जीरो का बुकरम नहीं है। अब इस पट्टी का एक साइड हम नीट करेंगे और एक साइड पर हम लगाएंगे लेस को। तो पिंक वाला जो साइड है इसे हम नीट करेंगे, और जिसके ऊपर ये हमारे छोटे छोटे से ट्रायंगल आ रहे हैं इसे हम नीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये लेस लगानी है। तो लेस का जो शेड है वो है पिंक। अगर हम पिंक के साथ पिंक को अटैच कर देंगे तो हमारी जो लेस की खूबसूरती है वो दब जाएगी। तो हमने इस लेस को इस तरह टर्न करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो हमने अपने लेस को लगाना है इस लाइट कलर के साथ जिससे हमारी जो लेस है ये नुमाया होगी, ठीक है। तो हमने इसको नीट नहीं करना, हमने इसको नीट करना है। अच्छा, हमें लेनी होगी एक एक्स्ट्रा पट्टी। मेरे पास ये बॉर्डर पट्टी थी तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया। आपके पास सिंपल पट्टी हो तो आप सिंपल पट्टी लेंगे। तो पहले हम सिंपल पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे हम इस लेस को। हम एक ही सिलाई में तीन चीजें अटैच करेंगे, सिंपल पट्टी, लेस और ये हमारी बॉर्डर पट्टी। अब हम इस तरह इसको सिलाई लगाएंगे कि हमारी जो सिलाई का जो एक्स्ट्रा पार्ट है सिर्फ उसी के ऊपर हमारी सिलाई आए। अब इस लेस को प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके पट्टी को मुकम्मल करेंगे। तो कपड़ा ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि अंदर की साइड पे ज़्यादा कपड़ा नहीं हो, फिर वो ना खूबसूरती नहीं आती है। बस इतना ही कपड़ा हो कि जितना दबाव में चला जाए। और मैं आपको पट्टी मुकम्मल करके इसकी लंबाई भी बताऊंगी कि मैंने कितने इंच लंबी ये पट्टी रेडी की है और इसकी फाइनल चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है और कोई डिज़ाइन या लेस मैटर नहीं करता जितना हमारी इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई। अगर आपकी पट्टी छोटी हो जाएगी तो भी आपका पूरा का पूरा गला जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर आपकी चौड़ाई में कोई मसला होगा तो भी आपका गला परफेक्ट नहीं बनेगा। तो पूरी पट्टी मेरी कंप्लीट हो गई है और ये रेडी भी हो गई है। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई को नापेंगे। अच्छा, इसकी चौड़ाई जो है ये बॉर्डर पट्टी के साथ 1.25 इंच हो रही है और लेस के साथ हो रही है 1.25 इंच। तो हमने चौड़ाई तो इसकी ले ली है, अब हमने लेनी है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ मुझे 42 चाहिए थी और ये पट्टी है 43 इंच की, क्योंकि 3-4 इंच एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, बट कम नहीं हो। कम होने के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमारा गला ख़राब हो जाता है, बॉर्डर ख़राब हो जाता है, लेस कट के छोटी हो जाती है। तो मैंने इसे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। मुझे चाहिए थी 42 इंच तैयार पट्टी, तो ये 45 इंच हो गई है। कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं आपको गले पर निशान लगाना बताऊँगी। तो ये है हमारी कमीज़ का फ्रंट साइड। हमने पहला निशान इस पर लगाना है 3 इंच का। हमारी जो चौड़ाई है वो होगी 3 इंच और हमारी जो लंबाई है हम रखते हैं 7 इंच, मगर इसमें हम रखेंगे 8 इंच, 8 इंच 8.25 इंच इस तरह है। बट छोटा नहीं कीजिएगा, अपने साइज से 1 इंच आपने बढ़ाना है। अगर आप लोग 8 इंच का गला पहनते हैं तो आप 9 इंच पे निशान लगाएंगे, अगर आप 7.5 पे पहनते हैं तो 8.5 पे लगाएंगे। 1 इंच आपने इसको नीचे की तरफ उतारना है। अब निशान लगाऊंगी इसकी स्लिट का कि कितने इंच पे मुझे ये पट्टी उतारनी है। तो मैं निशान लगा रही हूँ 18 इंच पे। अब एक इसका निशान लगाएंगे हम 0.5 इंच से भी कम।
अब इसको वी शेप दे देंगे। तो निशान मैंने लगा दिया है, इसे आप कट नहीं करेंगे। इस वाले नीचे वाले साइड पे थोड़ा सा बुकरम चिपकाएंगे, इससे जो हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। स्क्वायर पीस लेके इसको इस तरह निशान लगा दें, जहां पर हमने 18 इंच का निशान लगाया था उसी पर हमने इस पट्टी को चिपकाना है। अगर आप किसी लॉन के ड्रेस के ऊपर ये चाइनीज कॉलर गला बना रहे हैं तो भी आप बुकरम लगाएंगे। अगर आप किसी जिस तरह लीलन का ड्रेस होता है या शेफून का होता है, जो बारीक कपड़ा होगा उसके नीचे आपने ये बुकरम लगाना जरूरी है, लाजमी है। अगर कॉटन का है, खद्दड़ का है, तो फिर आप बेशक स्किप कर दीजिएगा। तो बुकरम मैंने लगा लिया है, अब एक बार फिर इसको इसी तरह अपनी पुरानी पोजिशन में प्रेस करेंगे। अब हमने इसे इस तरह निशान लगाना है और एक निशान हमने इस तरह ट्राइंगल का लगाना है। अब ऊपर से इसे कट कर देंगे, सिलाई का दबाव छोड़ के कट करेंगे। अब इसके कंधे अटैच करके इसके बीच के अंदर ये पट्टी फिल करेंगे जो हमने तैयार की है। जो पट्टी मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखी थी वो पट्टी हमारी अंदर की साइड पर आ गई है, तो हमारी पट्टी मुकम्मल हो गई है, मतलब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। अब पहले प्रेस करेंगे इसकी कंधों के ऊपर ताकि इसमें जो भी नम वगैरह है पट्टी में निकल जाए और पट्टी की ये जो गुलाई है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो इस तरह आपने राउंड शेप में प्रेस करनी है, फिर आपने ऊपर प्रेस करनी है और फिर इसे इस तरह गुलाई में प्रेस करनी है, क्योंकि इसको बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस साइड पे ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे ये गले नहीं बनाते, इस साइड पे खिंचाव आता है और झोल आता है और पट्टी इस तरह खींची खींची लगती है। तो आपने देखा मेरी पट्टी बिल्कुल भी नहीं खींची हुई, क्योंकि मैंने इस पट्टी को बहुत ही हल्के हाथ से लगाया है। तो मैंने प्रेस कर दिया है, अब निशान लगाएंगे इसका कि हमें कितने इंच पे अपने गले को बंद करना है। तो मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पर, क्योंकि मैंने 8 इंच पर इसका स्टार्ट में निशान लगाया था। अब ये जो हमने कट लगाया हुआ है इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी है इसे हम कट कर देंगे। तो मैंने इसे गुम सिलाई से कवर किया है, यानी कि मैंने इसके ऊपर सिलाई शो नहीं की है, इसे मैंने नीचे की साइड से सिलाई लगाया है। अब इसको हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, मगर यहाँ पर आकर हम अपना धागा चेंज करेंगे। हमारा इसके ऊपर पिंक नहीं है, ये लाइट कलर है, इन धागों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो गला हो गया है डन और लुक है इसकी आपके सामने, कितना सोबर और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है गला बनकर। एक ही सिलाई में मैंने आपको लेस बॉर्डर पट्टी लगाने का तरीका बताया और अंदर से देखें कितना नीट हो रहा है। ये हो गया है हमारा तले ऊपर वाला, और जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी यहाँ की राउंड शेप। यहाँ पर अक्सर बिगनर्स से झोल आता है और झोल आते आते पूरी पट्टी में खिंचाव होता है। आप देख सकते हैं मेरे गले में झोल भी नहीं है और खिंचाव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसे बहुत ही
हल्के हाथ से लगाया है और मैंने इसकी जो पट्टी है उसे बढ़ता हुआ रखा है। मुझे ये डर ये कन्फ्यूजन नहीं था कि मैं पट्टी को खींच खींच के लगाऊं मेरी पट्टी नीचे से छोटी हो जाएगी, नहीं, इसीलिए आपने पट्टी को थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि आप जब पट्टी को राउंड शेप में घुमाएं तो आपको डर नहीं हो। यह है इसकी नीचे से शेप, आप नीचे से सफाई देख सकते हैं कितना नीटनेस के साथ ये बना है। मैंने इसके ऊपर सिलाई शो नहीं की, ऑप्शनल है, आप ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको ये गला और कैसी लगी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि गला पसंद आया हो, बनाने का तरीका समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं आप सबका बेहद शुक्रिया, जो लोग नए हैं आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर इस कॉलर में आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ही हमें चाइनीज कॉलर में ये प्रॉब्लम आती है, आप हमें इसी के अंदर दो तीन डिज़ाइन बता दें। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप कर सकते हैं, वरना मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसी गले में, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मिलूंगी बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।